आज का प्रदर्शन आपको मालूम है, सारे भारतवर्ष में सोनिया गांधी जी की तरफ से सब स्टेट्स को ये दिया गया था। अभी अब भारत का ऐसा बुरा हाल हो रहा है, अर्थव्यवस्था पे देख लो, बेरोजगारी के ऊपर आप देख लो, और जो लोकल इश्यूज है चंडीगढ़ के भी हम इसमें साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ कॉरपोरेशन का आप लोगों को मालूम है, यहाँ जब से ये कॉरपोरेशन या भारतीय जनता पार्टी की बनी है, यहाँ पर लोगों की, चाहे वो सीवरेज की समस्या है, चाहे वो सैनिटेशन की समस्या है, किसी चीज़ बेरोजगारी उसमें से जब से ये आया है उस समय से बड़ी है। और आप लोगों को मालूम है आज महंगाई की पोजीशन ये हो गई है पूरे भारत में, प्याज के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है। जो छोटी सी चीज़ है, जब प्याज लगा लो आप, टमाटर लगा लीजिए, इन चीज़ों के ऊपर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं रहा है। सारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे गिर रही है। GST अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बड़ी बात हुई है हमारे कॉरपोरेशन में। एक जब अभी कल ही हम लोग वहाँ पर बैठे थे, जब वो लोगों को जब अभी आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा, जो लोग टॉयलेट जाएंगे वो, उसके ऊपर भी GST लगा दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का तरीका, अभी छोटा लोग, छोटे जो लोग हैं वो सारे पिसते के पिसते जा रहे हैं। उसी के भाजपा से ही पार्षद बने थे, फिर आप भाजपा के, बिल्कुल मैं भाजपा से पार्षद बना था, लेकिन जब उन लोगों की जो नीतियाँ थी वो सारी वो दलित विरोधी थी और लोगों की, गरीब लोगों के विरोध में थी, और उसके कारण ही जब हम लोग काम करवाने के लिए जाते थे, चाहे जहाँ से मैडम किरण खेर MP थी, तो वो लोग काम नहीं कर पाते थे। लोग यहाँ के इतनी तराई तराई कर रहे हैं, आप हाउसिंग बोर्ड की देख लीजिए चंडीगढ़ में, पहले कांग्रेस के समय में मकानों को कोई कैंसलेशन के नोटिस नहीं आते थे, आज आप लोग देख ले लोगों के मकान सारी कॉलोनी में गिराए जा रहे हैं, चाहे वो राम दरबार हो, चाहे वो 56 सेक्टर हो, मोड़ी जगरा हो। जो अगर चंडीगढ़ के गाँव की बात करें तो गाँव में को नगर निगम में तो ला दिया गया, पर उनको जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अभी पीछे अभी गवर्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, BJP का कोई ये कोई पार्षद वहाँ पर नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस का एक एजेंडा था, वो बंसल जी ने उसमें भी, जब हमारे मैनिफेस्टो था उसमें भी था कि गाँव की जितनी भी हमारे गाँव बीच में आए हैं काफी चीज़, उनको सबसे पहले सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन अभी तक जब से मैडम किरण खेर जीती हैं, अभी तक इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का हमारा ये एजेंडा है, अभी जितने भी ये गांव आए हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और गांव के लोग भी आने वाले समय में, आप लेकिन कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जितने गाँव होंगे वो सारे लोग BJP कांग्रेस पार्टी। जरे आगे क्यों खड़े हो जाते हैं? नींबू भी नहीं आई। हालात देखिए, बैंकों की हालात सबसे बड़ा अभी कांग्रेस में क्या हुआ है,